गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें जो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा, वो है K2Cr2O7, जिसको हम पोटाशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। तो ये आपने एक्सेसिवली जो है वो काफ़ी यूज़ किया हुआ है टाइट्रेशन में। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको प्रिपरेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है वो मेरा बनता है K2Cr2O7, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो सिलेबस में है वो क्या क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है आपके ट्रांजिशन मेटल्स के, इनकी प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। सबसे पहला है पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। उसके बाद आता है, सेकंड नंबर पे आता है आपके पास परोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, ठीक है। ये मैं इसी में डिस्कस कर दूंगा अभी आपको। तो कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में आपको पहले दो जो है वो आपके टॉपिक्स जो है वो हो जाए, ठीक है। तीसरा आता है KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट, ये भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जिसका फार्मूला होता है K4FeCN6, इसको भी डिटेल में करेंगे। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको भी हम डिटेल में करेंगे। ये भी आपने इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव, ठीक है, एसिडिक और बेसिक रेडिकल में इसको यूज किया हुआ है। हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है, इसका फार्मूला ये है। फिर सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ये 7 कंपाउंड जो है वो आपके सिलेबस में है, ठीक है, जिसमें जो है परोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम जो है वो हम क्रोमियम पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट का मोलर मास जो होता है वो होता है 294 होता है, ठीक है। जब आप जोड़ेंगे पोटाशियम का 2 टाइम्स करेंगे, क्रोमियम के मास को 2 टाइम्स करेंगे, ऑक्सीजन के मास को 7 टाइम्स करेंगे, जोड़ेंगे तो आपके पास सम कितना आ जाएगा, 294। तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 294 होता है। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड भी हम इसको यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में। आपको पता होगा K2Cr2O7 का जो सोल्यूशन होता है वो ऑरेंज कलर का जो है वो सोल्यूशन होता है, ठीक है। और ये ऑरेंज कलर जो है वो बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है, ना कि रीडी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है K2Cr2O7 में, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर वगैरह हम आगे देखेंगे। तो हम आते हैं इसकी डायरेक्ट प्रिपरेशन पे, ठीक है। जो प्रिपरेशन होती है, जो प्रिपरेशन हम करते हैं K2Cr2O7 की, वो हम करते हैं क्रोमाइट ओर के साथ करते हैं। किससे करते हैं? क्रोमाइट ओर से जो है वो हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। ये क्रोमियम का ओर होता है, ठीक है, इसी को हम क्रोम आयरन स्टोन भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है FeOCr2O3, ठीक है, FeOCr2O3, या हम इसी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं FeCr2O4 से, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जी ये ओर है मेरे पास क्रोमियम का, ठीक है, जो नेचर में प्रेजेंट होता है, इसी से जो मुझे क्या बनाना है, K2Cr2O7 बनाना होता है, ठीक है। तो एक और बात आपको मैं बता दूं कि जब हम क्रोमियम की जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो भी हम इसी ओर से करते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ स्टेप्स जो है वो कॉमन होते हैं, जैसे जब अगर आपको क्वेश्चन जो है वो लोअर क्लासेस में ये रहा होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम कैसे की जाती है, ठीक है, या अभी जो आपके लिए क्वेश्चन बना वो ये है कि प्रिपरेशन K2Cr2O7 की कैसे की जाएगी, तो कुछ इसमें स्टेप्स जो है वो कॉमन है, ठीक है, वो एंड ऑफ द लेक्चर आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो इसमें हम जो है वो मेनली 3 स्टेप्स में जो है वो K2Cr2O7 की जो है वो प्रिपरेशन जो है वो हम करेंगे। तो सबसे पहला मेरे पास स्टेप्स आता है फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। हम जो है वो सोडियम कार्बोनेट से जो है वो क्या करेंगे, जो है वो इसकी फ्यूजन करेंगे, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट से देखो, जब हम फ्यूजन करते हैं तो मेरे पास जो है वो रिएक्शन क्या होती है, ये मेरे पास जो है वो क्रोमाइट ओर है, ठीक है, मैंने बैलेंसिंग की हुई है, ये एज इट इज आपको ऐसे ही याद रखनी है। तो उसके बाद उसमें मैंने सोडियम कार्बोनेट डाला, तो उसकी जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो हम रोस्टिंग करते हैं, तो मेरे पास जो है वो देखो येलो कलर का, मैंने इसको येलो से ही लिखा हुआ है, Na2CrO4 जो है वो मेरे पास जो है वो बन जाता है। इसको बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम क्रोमेट, ठीक है। एक बात आपको करने से पहले, टॉपिक करने से पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए कि Cr2O7 2- ये होता है डाइक्रोमेट, ठीक है, और मेरे पास Cr4O2-, इसको बोलते हैं हम क्रोमेट, है ना। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है, ये डाइक्रोमेट, ठीक है, और मेरे पास क्या होता है, ये Cr4O2- क्रोमेट होता है। तो जब भी मैं बोलूंगा सोडियम क्रोमेट तो इसका मतलब क्या हो गया, Na2 दो जुड़ेंगे क्योंकि इसके पास 2- है, Na2CrO4। जब मैं बोलूंगा पोटाशियम क्रोमेट तो मेरे पास क्या आ जाएगा, K2Cr4O2-। जब डाइक्रोमेट की बात आती है तो K2Cr2O7 मेरे पास जो है वो यहां से इससे फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया मैंने, क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है वो एयर की प्रेजेंस में जो है मैंने इसकी रोस्टिंग की, तो मेरे पास सबसे पहले जो है वो येलो कलर का एक सॉलिड सा मास जो है वो मेरे पास बनता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्रोमेट बोलते हैं, ठीक है, और साथ में Fe2O3 + 8CO2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है, ठीक है।
तो यही मैंने इसमें जो है वो लिखा हुआ है थ्योरी में, क्रोमाइट ओर इज टेकन इन द पाउडर फॉर्म देन मिक्सड विद सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद क्विक लाइम, दिस मिक्सचर इज देन रोस्टेड इन ए रिवर्बरेटरी फर्नांस इन ए फ्री सप्लाई ऑफ एयर अंटिल बी ऑब्टेन द येलो कलर सॉलिड सोडियम क्रोमेट, ठीक है, अलॉन्ग विद Fe2O3, ठीक है। तो यही मैंने जो है उसमें लिखा, आपको पहला स्टेप जो है वो याद रखना है कि क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है वो हमने क्या की, रोस्टिंग की। रोस्टिंग का मतलब होता है कि हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो उसको क्या किया, हीट किया, ठीक है। कैल्सिनेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, हीट करते हैं, लेकिन यहां पे हमने क्या की, रोस्टिंग की। तो ये जो रोस्टेड मास होता है इसको हमने वाटर के साथ जो है एक्सट्रैक्ट किया, मतलब इसमें हमने वाटर डाल दिया। तो वाटर डालने से क्या होगा कि ये जो मेरे पास सोडियम क्रोमेट होता है ये पानी में सोल्यूबल होता है, तो ये पानी में जो है वो घुल जाएगा। Fe2O3 जो है पानी में सोल्यूबल नहीं होता तो ये पानी में जो है वो रह जाएगा। तो हम इसको फिल्टर जब करेंगे तो फिल्ट्रेट में मेरे पास सोल्यूशन की फॉर्म में क्या आ जाएगा, सोडियम क्रोमेट का येलो कलर का सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है वो मैंने आगे जो है वो फिल्टर किया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो सोडियम क्रोमेट सॉल्यूशन को की मैंने क्या कर दी, फर्दर एसिडिफिकेशन कर दी, ठीक है, फिल्टर करने के बाद। तो एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट सॉल्यूशन जो है मेरे पास सेकंड स्टेप आता है, ठीक है। इसी को जो है वो मैं बोल देता हूँ कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इंटू सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो जो मेरे पास यहाँ पे सोडियम क्रोमेट होता है, देखो मैंने इसको येलो कलर से बनाया हुआ है, तो ये येलो कलर का जो सोल्यूशन होता है, जो सोल्यूशन फॉर्म में होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। जब इसके एसिडिफिकेशन करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मेरे पास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, Na2Cr2O7 जो मेरे पास ऑरेंज कलर का जो है वो सोल्यूशन होता है। तो Na2SO4 जो है वो ये मेरे पास जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इसके, और H2O, ठीक है, वाटर एज ए निकल जाता है। तो आपको बैलेंस इक्वेशन जो है वो याद रखनी है कि सेकंड स्टेप क्या हुई मेरे पास एसिडिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या था, रिएक्शन ऑफ क्रोमाइटोर विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या उसकी जो है वो रोस्टिंग जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपने इसकी एसिडिफिकेशन कर दी, आपको क्या मिल गया, सोडियम क्रोमेट जो है वो मिल गया, सोडियम डाइक्रोमेट जो है मिल गया Na2Cr2O7, जो कि एक ऑरेंज कलर का जो है वो आपके पास कंपाउंड होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसी सोडियम डाइक्रोमेट की जो है वो कन्वर्जन हम करते हैं किसमें, पोटाशियम डाइक्रोमेट में। तो आपको सिंपली क्या करना है, सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ जो है वो रिएक्ट करना है, आपके पास क्या बन जाएगा, ये K2Cr2O7 प्लस NaCl, ठीक है। तो मैंने यही सारी बातें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कि सोल्यूशन कंटेनिंग सोडियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एज, ठीक है, एज सून एज द रिएक्शन प्रोसीड सोडियम सल्फेट स्टार्ट सेपरेटिंग आउट एज ए क्रिस्टल, है ना। जैसे ही इसको हम मिक्स करते हैं तो सोडियम सल्फेट की क्या हो जाती है, क्रिस्टलाइजेशन, और क्लियर सोल्यूशन जो है वो जो बच जाता है उसको मैं इमीडिएटली फिल्टर ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, और उस क्लियर सोल्यूशन को जो है मैं काफी टाइम के लिए बीकर में रहने दूंगा। तो कुछ टाइम के बाद जो है वो ऑरेंज कलर के जो है वो क्रिस्टल वहां पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो किसके होंगे, सोडियम डाइक्रोमेट के होंगे, ठीक है। तो जो मेरे पास ये सोडियम क्रोमेट बना, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज नहीं करते, ये मैंने क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया कि इसको हम जो है वो टाइट्रेशन में यूज नहीं करते, क्योंकि सोडियम के जो कंपाउंड होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मॉइस्चर को अब्जॉर्व करते हैं। तो जब भी आप इसका वेट करते हो, ठीक है, वेट इसका आप लेते हो कि 5 ग्राम 2 ग्राम जितना भी आपने इसको वे करना है, तो वो वहां पे जो है वो आपके पास जो है कैलकुलेशन में गलती जो है वो आ सकती है, क्योंकि सोडियम जो है मॉइस्चर को अब्जॉर्व करता है। तो इसलिए हम जो है वो लेबोरेटरी में जो है वो टाइट्रेशन के पर्पज से जो है वो क्या यूज करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो यूज करते हैं। अगर आपको ये यूज करना है तो आपको इमीडिएटली उसको बनाओ, फ्रेश बनाओ, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करके फिर आपको ये बनाना पड़ता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में मैंने सिंपली क्या कर दिया, सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ जो है वो रिएक्ट करवा दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, पोटाशियम डाइक्रोमेट बन गया। उसके सिंपली एक्सचेंज रिएक्शन हुई कि सोडियम की जगह मेरे पास क्या लग गया, पोटाशियम, ठीक है, तो मेरे पास K2Cr2O7 लग गया, और K की जगह क्या लग गया, सोडियम जो है वहां पे लग गया, तो सोडियम क्लोराइड जो है वहां पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरीके से आप इसको 3 स्टेप्स में करना, क्रोमाइट ओर की जो है वो रोस्टिंग, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आप लिख लो Na2CO3 की प्रेजेंस में, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। सेकेंड जो थी मेरे पास थी एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, जिसमें वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और थर्ड थी मेरे पास की आप उस जो है वो सोडियम डाइक्रोमेट को पोटाशियम जो है वो क्लोराइड के साथ जो है वो रिएक्ट करके क्या बना दोगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन इन नेचर का होता है, ट्राइक्लिनिक इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है कि क्रिस्टल सिस्टम होता है, इनसॉल्यूबल होता है ये अल्कोहल में, ठीक है, ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है विद मेल्टिंग पॉइंट 669 केल्विन, इट इज पार्शली सॉल्यूबल होता है इन कोल्ड वाटर में, बट फुली सॉल्यूबल होता है इन हॉट वाटर में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो वन बाय वन जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरीके से रहेंगी। तो सबसे पहले मेरे पास आता है एक्शन ऑफ हीट, ठीक है, कि हीट से जो है वो इसके ऊपर जो है क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने लिखा कि व्हेन पोटाशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड इट मेल्ट्स एट 670 केल्विन एंड कन्वर्ट इनटू पोटाशियम क्रोमेट। तो अब ध्यान रखना कि मैं बोल रहा हूँ पोटाशियम क्रोमेट, क्रोमेट होता है Cr(O)4)2-। द इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज ऑल्सो अकम्पनीड। तो देखो जैसे जैसे ही आपने येलो कलर का ऑरेंज कलर का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसको हीट करते हो इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो आपके पास जो है ये पोटाशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट से क्रोमेट। तो क्रोमेट आपको याद रखना, चाहे वो सोडियम हो चाहे पोटाशियम हो, इसका कलर कैसा रहेगा, येलो कलर का जो है वो ये रहेगा, ठीक है। और साथ में क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो बनता है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी मेरे पास लिबरेट होती है, ठीक है। तो यही मेथड जो है वो प्रिपरेशन ऑफ O2 के लिए भी जो है वो हम इसको जो है वो यूज करते हैं, तो ये आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एक्शन ऑफ अल्कली, मतलब बेस के साथ जो है इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो बेस के साथ जो होता है इट चेंजेस इनटू पोटाशियम क्रोमेट, ठीक है। चाहे आप हीट का जो है वो उसको हीट करो, चाहे आप इसमें जो है वो बेस डालो, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज कलर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये येलो कलर्ड क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो KOH की प्रेजेंस में कोई भी अल्कली हो सकता है, OH जनरल मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दी आयनिक फॉर्म में, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बन जाएगा K2CrO4, या मेरे पास क्या बन जाएगा CrO4(2-), है ना, ये डाइक्रोमेट, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो पोटाशियम हो, इसलिए मैंने इसको आयनिक फॉर्म में लिखा। डाइक्रोमेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास, ये क्रोमेट में येलो कलर्ड के कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। तो बोलने का मतलब मेरा क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही मैंने पोटाशियम डाइक्रोमेट में जो है बेस डाला, तो बेसिक मीडियम में जो है वो आपके पास क्रोमेट स्टेबल होता है, तो इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है, और अगर मान लो आपने जो है ये क्रोमेट आयन बनाया, अगर आपको ये रिकवर करना है कि डाइक्रोमेट दोबारा बनाना है, तो आप इसकी एसिडिफिकेशन कर दो, जैसे हमने इसकी प्रिपरेशन में की थी, वहां पे भी हमारे पास क्या बना था, सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट की जब मैंने एसिडिफिकेशन की थी, तो वहां पे क्या बन गया मेरे पास, क्या बन गया था, सोडियम डाइक्रोमेट। तो अगर आप जब भी क्रोमेट में एसिड डालोगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दोबारा जो है वो ऑरेंज कलर का क्या बन जाएगा, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन जो है वो मेरे पास बन जाएगा। ये रिएक्शन मैंने आयनिक फॉर्म में भी लिखी है, देखो ये क्रोमेट है, जब इसमें मैंने एसिड डाला, एच पॉजिटिव आयन डाला, H2SO4 डाला, तो मेरे पास जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट आयन के बाद, ठीक है। तो देखो ये इस रिएक्शन में जो है मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट जो होता है वो मेरे पास क्या है, स्टेबल स्पीसीज होती है, लेकिन बेसिक मीडियम में स्टेबल स्पीसीज क्या होती है, क्रोमेट आयन मेरे पास स्टेबल स्पीसीज होती है, ठीक है। तो आपको एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि भाई ये बोथ आयन जो होते हैं क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, ये इक्विलिब्रियम पे कब एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं, एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम होता है pH=4 पे, क्योंकि ये pH के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जैसे मान लो ये मेरे पास डाइक्रोमेट आयन है जो ऑरेंज कलर का है, तो ये जो है वो मेरे पास जो है वो क्रोमेट आयन जो येलो कलर का है, ये एग्जिस्ट करेगा pH=4 में बाय दिस रिएक्शन H2O+2H+ है ना, जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब आप बोलो सर ये कलर का हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों चेंज कर रहा है जब हम एसिड डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, तो ये कुछ नहीं होता, ये ली चटलियर प्रिंसिपल से जो है वो गवर्न होता है पूरा, ठीक है। बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थ्योरेटिकली आपको जो है वो यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखो क्या होता है कि इस इक्विलिब्रियम को ऊपर ध्यान देना, ये इक्विलिब्रियम जो है वो आप इसको याद करना। अब इस इक्विलिब्रियम पे अगर हम ऐड करते हैं इफ वी ऐड अल्कली, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम में जो है वो OH- आयन ऐड करता हूं, तो क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम में OH- आयन को ऐड करने का मतलब क्या होगा कि मैं उसमें बेस डाल रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि बेस में मुझे कौन सी स्पीसीज मिलेगी, ये मिलेगी या डाइक्रोमेट मिलेगा या क्रोमेट मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो जैसे मैंने बेस डाला, OH- आयन डाले, तो OH- इमीडिएटली किसको खत्म कर देंगे, 2H+ को, क्योंकि OH- H+ के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, न्यूट्रल वाटर। तो जैसे ही H+ के साथ जो है इसको खत्म कर देगा, H+ को यहां से हटा देगा, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे H+ की कंसंट्रेशन क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब मैं इसमें OH- आयन डालता हूं, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब क्या होगा कि किसकी परसेंटेज ज्यादा बनेगी, क्रोमेट आयन की परसेंटेज ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि जब मैं इसमें OH- डालता हूं, OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं, इट विल रिएक्ट विद H+ आयन, देयर बाय इट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, देयर बाय प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ क्रोमेट आयन, सो कलर विल बिकम येलो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसमें एसिड डालता हूं, तो एसिड डालने का मतलब क्या होगा कि मैं किसकी कंसंट्रेशन को जो है वो इंक्रीज कर रहा हूं, H+ आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूं। तो जैसे मैं H+ डालूंगा, तो H+ तो ऑलरेडी है यहां पे, मैं और ज्यादा एक्सेस में डाल रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम क्या कोशिश करेगा कि यहां से H+ क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये दोनों ज्यादा कंबाइन करके रिएक्शन को कहां ले जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में ले जाएंगे। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो आपने डाली है,
ठीक है, क्योंकि ली चार्ली प्रिंसिपल यही बोलता है कि कभी भी अगर आप चेंज करते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो वो इक्विलिब्रियम उस तरीके से एडजस्ट करता है जिस तरीके से उस चेंज को क्या किया जा सके, नलीफाई किया जा सके, ठीक है। तो देर बाई प्रोड्यूसिंग द मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ ऑरेंज कलर डाइक्रोमेटाइन। तो जब आप एसिड डालोगे तो आपके पास क्या ऐसा बन जाएगा, ऑरेंज कलर का जो है वो डाइक्रोमेटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ओवरऑल वी कैन से दैट इन एल्केलाइन मीडियम क्रोमेट आयन आर प्रेजेंट, वाइल इन बेसिक मीडियम जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइक्रोमेट आयन आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पीएच के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जैसे मान लो आपने टेस्ट ट्यूब में डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लिया ऑरेंज कलर का, ठीक है, उसमें जो है वो अगर आप एच पॉजिटिव आयन जो है वो डालते हो, ठीक है, ध्यान रखना डाइक्रोमेट लिया ऑरेंज कलर का, अगर आप उसमें एच पॉजिटिव आयन डालते हो तो आपके पास जो है वो आपका सोल्यूशन ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें ओएच नेगेटिव आयन डाल दोगे डाइक्रोमेट में, तो वहां पे बेसिक मीडियम की वजह से जो है वो ये इक्विलिब्रियम येलो कलर में शिफ्ट हो जाएगा, तो वो वहां पे किसकी प्रेजेंस हो जाएगी, क्रोमेट आयन की प्रेजेंस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रिएक्शन आती है विद कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब ये हो गया कि वो बहुत प्योर H2SO4 है, बहुत ज्यादा जो है उसकी कंसंट्रेशन है, 50% आपका H2SO4 है। तो क्या होगा अगर आपने वो कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन K2Cr2O7 का ले लिया और एसिड का भी कोल्ड सॉल्यूशन ले लिया, तो वहां पे इमीडिएटली क्रोमिक एनहाइड्राइड बन जाएगा CrO3, जिसको बोलते हैं हम क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमिक एसिड जो है वो वहां पे बन जाता है, और इस क्रोमिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो हम जो ग्लास अपरेटस होते हैं, जैसे आपका सरफेस टेंशन को आप मेजर करते थे, ठीक है, या विस्कोमीटर होता था, ठीक है, स्टेलगेमोमीटर होता था, अगर वहां पे जैसे मान लो कोई बबल फंस गया हुआ है, ठीक है, या वहां पे कोई सोल्यूशन जो है उसको क्लीन करना है, तो जो वो हम इस्तेमाल क्रोमिक एसिड वगैरह का जो है वो वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर मान लो मैंने उस टेस्ट ट्यूब को हीट कर दिया, तो वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी और ये वाली रिएक्शन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। K2Cr2O7 8H2SO4 2K2SO4 प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस 8H2O और 3 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। इस रिएक्शन का बार बार यूज होगा, अभी दोबारा यही आने वाली है आगे भी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आफ्टर रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, इसकी प्रॉपर्टी आती है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि बार बार आपसे देखो वाइवा में ये क्वेश्चन जो है वो हम पूछते हैं कि भाई बताओ K2Cr2O7 क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, किस वजह से इसका कलर होता है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपाउंड अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करेगा, और जब वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसके पास जो वो एक ही ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, प्लस 6 मैक्सिमम में पहुंच गया, इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता होता तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता, लेकिन अगर इसके पास कोई चांस ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो इसके पास एक ही रास्ता है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। तो आपके पास जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करता है, और ये बहुत पावरफुल भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बड़ी सारी इसकी रिएक्शंस जो है वो होती हैं, आपने लेबोरेटरी में भी की हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने जो टाइट्रेशन के फॉर्म में K2Cr2 सॉल्यूशन बार बार यूज किया है, तो थोड़ा सा आज आपको और आइडिया K2Cr2 का और लगेगा कि कैसे जो है वो आप इन रिएक्शंस को जो है वो पढ़ोगे। तो मैं लिखा K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम विद डल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है। K2Cr2O7 जो है वो डल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, मैंने आपको बोलता था कि भाई आप 20 ml जो है पिपिट आउट करो K2Cr2O7 सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें जो है एक टेस्ट ट्यूब जो है वो आपने किसकी डालनी है, डल्यूट H2SO4 की डालनी है, या 10 ml डल्यूट H2SO4 डालना है। क्यों, क्योंकि उस रिएक्शन कंडीशन में वो क्या एक्ट करता था, स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता था। तो देखो क्या होगा, जब K2Cr2O7 को आपने उसमें डल्यूट H2SO4 डाला, H2SO4 गिविंग यू पोटाशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस 4 वाटर प्लस 3 ऑक्सीजन, ये इक्वेशन आपने याद कर लेनी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरी केमिस्ट्री की बात करूं टाइट्रेशन में, तो आपको कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो वहां पे आपको क्रैम करके ये याद रखनी ही होती है, कि आपको कभी भी कोई पूछता है तो ये इक्वेशन जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर बोलता हूं, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 K2SO4 प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान रखना 3 नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब हो गया सिंगल जो है वहां पे ये ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो K2Cr2O7H2SO4 में भाई क्या जनरेट कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन, यही दूसरी स्पीसीज को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी, तभी तो ये क्या कहला रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है, कि इसकी कैपेसिटी है दूसरी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की। तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा दूसरा सब्सटेंस, जब ये एटलीस्ट ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करे। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ K2Cr2O7 जो है वो एसिडिक मीडियम में जो है प्रोड्यूस करता है 3 नेसेंट ऑक्सीजन,
ठीक है, या एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन का जो है वो वहां पे क्या करता है, गेन करता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसकी जो है मैंने बैलेंस रिएक्शन देखो यहां पे लिखी हुई है, K2Cr2O7 प्लस 14H पॉजिटिव आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन प्लस 7H2। इससे आपको एग्जैक्ट पता चलता है उसका पोटेंशियल होता है प्लस 1.31 वोल्ट। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल डाटा से। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करना होता है, आपको क्या याद रखना होता है कि जैसे मान लो आपने ये याद रखा, ठीक है, जैसे आपने जो है वो ये याद रखा Cr2O7 2 नेगेटिव, यह है डाइक्रोमेट, ठीक है जी, ये कन्वर्ट हो रहा है मेरे पास 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन, ठीक है, कि इसमें प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें जा रहा है, ये प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है, 2 क्रोमियम है तो मैंने 2 क्रोमियम को बैलेंस कर दिया। अब इसमें 7 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां पे क्या है मेरे पास जो है प्रेजेंट क्या है, 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन के लिए मैंने यहां पे क्या ऐड कर दिया, 7H2O, क्या ऐड कर दिया, 7H2O। कैसे इसकी बैलेंसिंग करते हैं, देखो यहां 7 ऑक्सीजन तो अपली तरफ बैलेंस करने के लिए क्या ऐड कर दो, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड कर दो, 7H2O। तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 × 2 = 14, तो यहां पे मुझे कितने हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे, 14H पॉजिटिव, उतने ही आपने एच पॉजिटिव ऐड कर देने हैं, तो वो क्या बन गया 14H पॉजिटिव आए, ठीक है। अब आपने चार्ज बैलेंस करना है, इधर देखो प्लस 3 है तो प्लस 3 × 2 कितना हो गया ओवरऑल चार्ज, प्लस 6 चार्ज हो गया। यहां पे ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, देखो ऊपर है -2 और यहां पे है 14H पॉजिटिव आयन, मतलब 14 जो है वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो 14 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट और -2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, ये 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, और इधर कितना है +6 यूनिट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उस तरफ आप इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते हो, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो ताकि यहां का चार्ज जो है वो इस चार्ज के बैलेंस बराबर हो जाए, तो मैं यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो +12 में से -6 हो जाएंगे, तो कितना हो गया ओवरऑल +6 हो गया ना, तो इस तरीके से बैलेंस करते हैं आपके पास ये, ठीक है। तो यही इक्वेशन है जिसको आपको बार बार बोला जाता था कि इसको याद करो, तो यहां से बहुत कुछ आपको जो है वो क्लियर होगा इन दो इक्वेशन से, ठीक है। देखो 14H पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव 1 प्लस 7H2। ग्रीन कलर इसलिए बनाया क्योंकि क्रोमियम का कलर कैसा होता है, प्लस 3 का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, तो आपका ऑरेंज कलर का सोल्यूशन किसमें चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में जो है वो चेंज हो जाता है इन एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लिखा कि पॉजिटिव वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेट्स अवर रिएक्शन इज फिजिबल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, Cr2O7 2 एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो डिपेंडिंग अपॉन द दीज टू रिएक्शंस जो आपने अभी पीछे पढ़ी, इनके ऊपर से ही आपके पास जो है एक क्वेश्चन जो है वो बनता है कि इक्विवेलेंट वेट K2Cr2O7 का जो है वो क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट की देखो डेफिनेशन क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 व्हेन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या होती है ये भी आपको अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब आप एक कंपाउंड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द मास विच कंबाइंस विद, या तो वो कंबाइन करे या तो डिस्प्लेस करे, या तो वो उसके साथ कंबाइन करे या तो वो बाय प्रोडक्ट बनाए, डिस्प्लेसिस 1.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो वो जो है वो उस एलिमेंट का मास जो है वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। ऐसे डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, ये आपको एग्जांपल जो है वो इसका न्यूमेरिकल ही करवा के जो है वो आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो ये है K2Cr2O7, जब H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन होती है, दोबारा मैं उसी रिएक्शन पे आ रहा हूं, K2SO4 बनता है जी, क्रोमियम सल्फेट बनता है, 4 वाटर बनते हैं, 3 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का वो भार है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का वो भार है इक्विवेलेंट वेट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मैं ऑक्सीजन के टर्म में बात करूंगा, ठीक है। तो अब देखो, अब जब मैंने इसका 1 मोल लिया K2Cr2O7 का, तो 1 मोल का मतलब वहां पे कितना ग्राम हो गया, 294 ग्राम। तो 1 मोल जो है वो K2Cr2O7 का कितनी ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 16 × 3 कितना हो गया 48 ग्राम, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, कि 294 ग्राम जो है वो 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है और कर रहा है इन एसिडिक मीडियम। तो क्या 294 ग्राम को इसका इक्विवेलेंट मास बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट वो भार है जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ या तो कंबाइन करे या 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। तो कोई बात नहीं, मेरे पास जब ये कोरिलेशन आ चुका है कि 294 ग्राम 48 ग्राम प्रोड्यूस
ऑक्सीजन कर रहा है, तो यहीं से मेरे पास जो है वो डाटा आ जाएगा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितना ग्राम K2Cr2O7 प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाई 294 ग्राम ऑफ K2Cr2O7, तो 1 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाई 294 / 48, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाई 294 / 48 × 8, तो 8 × 48 = 6, 6 से 294 चला जाएगा 49 ग्राम। तो 49 ग्राम जो है वो मेरे पास क्या आया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ये ऑक्सीजन का, ठीक है, हम ऑक्सीजन के सेंस में जो है वो इस तरीके को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी याद नहीं होता तो इसका एक और कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है वो कितने हुए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये मैं नोट्स आपको जो है प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसको उसमें डिटेल से देख सकते हो। बोलने का मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो मॉलिक्यूलर मास जो है आपको पता है K2Cr2O7 का कितना होता है 294, और आपको इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में जब आप आयनिक इक्वेशन लिखते हो तो वहां से पता चलता है कि कितने इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 6 किए, तो डिवाइडेड बाय 6 आंसर कितना आ गया 49 ग्राम। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के केस में जो है वो हम इक्विवेलेंट वेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितने का एक्सचेंज हो रहा है टोटल का। ठीक है, तो ये जो है वो आपने ध्यान रखना कि कितना का हो रहा है। ठीक है, अब कुछ इसमें ना डाउट रहता है बच्चों को कि जी इसमें तो क्रोमियम सर +6 में था, इसमें +3 में है, तो +6 से +3 में गया तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। भाई यहां पे ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, तो पर क्रोमियम तो +3 का है, लेकिन एक मॉलिक्यूल इस तरफ देखूंगा मैं रिएक्टेंट साइड कि एक मॉलिक्यूल ने जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल गेन किए, इसको तोड़ थोड़ ना दूंगा कि इसको हाफ कर दिया कि आपको पर एटम जो है वो दिखना, नहीं, पर एटम तो आपको क्या मिलती है, ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, लेकिन पर एटम जो है वो आपको यहां पे पर एटम जो है वो ठीक है कि पर एटम इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन, लेकिन टोटल वर्ड है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए इन एक रेडॉक्स रिएक्शन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए यहां पे 6 हुए पर मॉलिक्यूल, तो डिवाइडेड बाय 6, तो ये ध्यान रखना यहां पे 3 मत करना मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, वो थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन जो है वो आपको होता है। तो अब इसके बाद आती है इसकी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि अब ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये एक्ट करेगा कि रिसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट जो है वो रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आयोडाइड्स को I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करता है I नेगेटिव को किसमें, आयोडीन गैस में, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, देखो Cr2O7 2 नेगेटिव, ये वही बात है कि पहले I नेगेटिव लिखो इसको, फिर इसमें I2 में कन्वर्ट करो। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दो, I2 में कन्वर्ट कर दो, फिर उसको बैलेंस करो कि 6 I नेगेटिव आयन, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर वो चार्ज बैलेंसिंग जितने इसमें जो है वो ऑक्सीजन है उतने वाटर ऐड करो, फिर चार्ज बैलेंस करो उतने हाइड्रोजन ऐड करो। ठीक है, उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको सिंपली याद रखना है कि किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये फेरस आयन को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज करता है सल्फाइट जो होते हैं, सल्फाइट होते हैं SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट करता है SO4 2 नेगेटिव को। ठीक है, फिर आपके पास जो है इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। ठीक है, ध्यान रखना इन सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेरे पास जो है वो माइनस में है, तो ये माइनस से जो है वो क्या कर रहा है, ये लेके आ रहा है जीरो पे लेके आ रहा है या प्लस में लेके आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुई सामने वाले की ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव उसमें देखूं कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जब वो जीरो की तरफ आ रही है या जीरो से आगे जा रही है तो उसकी क्या हो रही है, वो ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो सिमिलरली इट ऑक्सीडाइजेस आल्सो थायोसल्फेट टू सल्फेट, थायोसल्फेट होता है S2O3 2 नेगेटिव। ठीक है, इसको जो लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, टाइट्रेशन में, तो उधर इसका फार्मूला बन जाता है Na2S2O3, तो यही होता है वो बेसिकली थायोसल्फेट। थायोसल्फेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये सल्फेट में ही ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इसकी जो है वो रिएक्शन है। इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज नाइट्राइट टू नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। हेलोजन एसिड होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलोजन एसिड मतलब HX कोई भी ले सकते हो, HCl, HBr, HI, तो वहां से ये उस हेलोजन गैस को ही निकाल देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि HCl के साथ इसकी रिएक्शन होती तो ये इसमें हेलोजन है क्लोरीन, तो इस गैस को ही वहां से लिबरेट कर देगा 3Cl2 गैस। HBr होती तो Br2 को लिबरेट करता है, HI होती तो I2 गैस को लिबरेट करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी, और हेलोजन एसिड में क्या होती है, माइनस में होती है। इट ऑल्सो ऑक्सीडाइज टिन 2 पॉजिटिव टू टिन 4 पॉजिटिव।
स्टेनस से स्टेनिक साल्ट में कन्वर्ट करता है, इट ऑल्सो ऑक्सीडाइज आर्सीनाइट टू आर्सीनेट में कन्वर्ट करता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना K2CR2O7 का भी हम यूज करते हैं, जिसमें हम एरो पे लिख देते हैं एसडिफाइड K2CR2O7 सोल्यूशन। तो जो इथेनॉल होता है, जो अल्कोहल होता है, उसको एस्टेल्डिहाइड में, और एस्टेल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को, जो एसडिफाइड मिक्सचर होता है मेरे पास, ठीक है, इसी को यूज किया जाता है एज ए टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर्स के लिए, जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता उसमें। देखो, एक ऐसे इस तरीके का जो है वो अपरेटस होता है, ठीक है, ये माउथ पीस होता है, यहां से जो है वो, जैसे मान लो कि इसने ड्रिंक किया हुआ है, तो यहां से जो है वो एयर जो है वो इसमें ब्लो करता है ना, इसमें एयर जो है इसमें, यहाँ पे जो है वो आपका रबर ट्यूब होती है, जैसे ब्लो करेगा तो ये इन्फ्लेट हो जाएगी, ये फूल जाएगी यहाँ पे। तो जैसे ही इस रास्ते में जाएगी, ये बीच वाले रास्ते में, जैसे ही वो जो है वो इसमें एयर भरेगा, तो इसमें ग्लास ट्यूब में जो है वो आपके पास एसिडिफाइड K2CR2O7 का जो है वो यहाँ पे मिक्सचर जो है वो लगा होता है। तो आपको पता है कि एसिडिफाइड K2CR2O7 का कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है। तो जैसे ही अल्कोहल अगर इसके संपर्क में आएगी, तो ये एसिडिफाइड जो है वो आपके पास K2CR2O7 जो है वो अपने आप किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमियम सॉल्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो साइड बाय साइड। तो अगर मान लो अल्कोहल होगी, उसकी जो सांस है उसमें अगर अल्कोहल प्रेजेंट होगी, तो वहां पे रिएक्शन हो जाएगी और K2CR2O7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम सल्फेट में, जो कि ग्रीन कलर का जो है वो कंपाउंड होता है। तो जैसे ही अगर इसका ऑरेंज कलर ग्रीन में चेंज होता है, तो इसका मतलब वहां पे उसका उसमें जो है वो पर्सन ने ड्रिंक किया हुआ है। ठीक है, अगर जो है वो उसका ऑरेंज कलर जो है वो मेंटेन रहता है, तो इसका मतलब उसके जो है वो एयर में, सांसों में जो है वो अल्कोहल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो है वो इमीडिएट रैपिड टेस्ट करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास टेस्ट आता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, आपके पास जो है वो आता है। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो उसका स्ट्रक्चर, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CrO2Cl2, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम 6 डाइक्लोराइड डाइऑक्साइड। ठीक है, या इसको डाइक्लोरिडो डाइऑक्सीडो क्रोमियम कुछ भी, तो जो है वो IUPAC ने जो है वो इसको जो है वैसे ऐसे भी नाम रखा है। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है CrO CrO ClCl। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अगर आपको याद होगा, तो आपने जो है वो ये कहाँ पे किया था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये आपने किया था सॉल्ट एनालिसिस में, अगर आपको याद होगा, जब आप एसिडिक रेडिकल की डिटेक्शन करते थे, तो उसमें ग्रुप टू में जो है वो मैंने आपको बताया था कि आप नाइट्रेट या क्लोराइड या ब्रोमाइड आयोडाइड की क्या करो, डिटेक्शन करो। तो जब आप सॉल्ट लेते थे, पिंच ऑफ सॉल्ट लेते थे, तो सबसे पहले आप जो है वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के लिए टेस्ट करते थे। ठीक है, तो उसमें जो रिएजेंट होता था वो होता था डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो बैलेंट गुड है, नहीं है तो आप ग्रुप टू में जाते थे, तो ग्रुप टू में आप क्लोराइड या नाइट्रेट के लिए देखते थे, तो उसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते थे। ठीक है, जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लिया, उसमें पिंच लिया, उसमें जो है वो आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाला, उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, अगर वहां पे जो है वो फ्यूम्स आते हैं, तो वो ग्रुप टू के क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड नाइट्रेट वगैरह जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि अगर जैसे मान लो उसमें क्लोराइड अगर प्रेजेंट है, तो वहां पे बाइट डेंस फ्यूम आते थे अगरबत्ती की तरह। ठीक है, जैसे बाइट, बिल्कुल जैसे हम धूप जलाते हैं, तो बाइट जो है वो फ्यूम्स जो है वो सफोकेटिंग से जो है फ्यूम्स बनते थे, तो वहां पे क्लोराइड की प्रेजेंस होती थी। अगर वो ब्राउन फ्यूम्स निकलते थे, तो नाइट्रेट जो है वो वहां पे प्रेजेंट होने के चांसेस थे। फिर जब आपको ये पता चल जाता था, तो फिर आप स्पेसिफिक टेस्ट करते थे, कि जैसे क्लोराइड के लिए जाओगे क्लोराइड का क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट या सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, तो वही क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है वो उसी को जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा ज्यादा पता लगेगा। दिस टेस्ट इज डन व्हेन द कलरलेस पंजेट गैस विद द डेंस बाइट फ्यूम इज ऑब्टेंड बाय हीटिंग द पिंच ऑफ सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। दिस गिव इंडिकेशन ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंस, सो टू चेक और टू कन्फर्म वी डू द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है जी, इसको स्पेसिफिक टेस्ट भी बोलते हैं क्लोराइड आयन का। तो आपको ये बाइबल में मैंने आपसे बड़ी बार पूछा कि बताओ जी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, आपने क्या क्या डाला। तो देखो क्या होता है कि 1 ग्राम मिक्सचर आपने या स्मॉल पिंच ऑफ सॉल्ट आपने लिया, उसमें जो है वो आपने थोड़ा सा K2CR2O7 डाला ड्राई टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, वो भी सॉलिड ही आपने डाला, सॉल्यूशन भी डाल सकते हो। उसमें आपने 5 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, ठीक है, या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 जो है वो आपने उसमें डाली कंसंट्रेटेड H2SO4, और उसको आपने हीट किया। तो जैसे आप हीट करते, तो ऑरेंज रेड वेपर जो थे वो अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो है वो आपकी टेस्ट ट्यूब बिल्कुल रेड रेडिश ब्राउन जैसी हो जाती थी, तो आपके पास क्लोराइड जो है वो कन्फर्म हो जाता था, जिसको हम बोलते थे क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। तो उस टाइम पे वो जो रेड कलर के जो वेपर, ऑरेंज रेड कलर के जो वेपर थे, वो थे CrO2Cl2 के, जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, फर्दर मैंने आपको कहा था कि व्हेन वी एड NaOH सॉल्यूशन, जब हम उसमें NaOH सॉल्यूशन फर्दर ऐड करते थे, तो वहां पे येलो कलर का सॉल्यूशन जो है वो बन जाता था। ठीक है, वो ऑरेंज कलर के इसमें तब्दील हो गया, येलो कलर के सॉल्यूशन में तब्दील हो गया। ठीक है,
फर्दर ये जो येलो कलर का सोल्यूशन होता था, अगर मैं इसमें लेड एसिटेट और एसिटिक एसिड डालता था तो येलो पीपीटी, थिक येलो पीपीटी जो है वहां पे बन जाते थे। ठीक है, तो ये जो मेरे पास टेस्ट हुआ ये मेरे पास क्या कहलाएगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मेरे पास जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी जो केमिस्ट्री है थोड़ी सी, इसकी केमिस्ट्री जो है वो आपके पास जो है वो किस तरीके से जो है वो की गई है, देखो K2Cr2O7 plus 2H2SO4, जब मैं इसको हीट करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा KHSO4। ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो दो क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो ट्राई ऑक्साइड जो है उस तरीके से बन जाएगा। ये बहुत टॉक्सिक होता है, क्रोसिव होता है, प्लस H2O। ठीक है, जैसे आपने K2Cr2O7 में एसिड डाला तो ये रिएक्शन हो जाती है जैसे आप उसको हीट करते हो। बट आपको तो मैंने क्लोराइड दिया होता था सॉल्ट में, तो चाहे कोई भी मेटल सॉल्ट तो उसमें क्लोराइड होगा। मान लो मैंने पोटेशियम क्लोराइड, हो सकता है सोडियम क्लोराइड हो, कुछ भी हो सकता है वहां पे, वो क्लोराइड होगा। तो वो क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता था, KHSO4 plus HCl। ठीक है, तो यहां पे ये जो HCl बनती थी ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये इमीडिएटली CrO3 के साथ रिएक्ट कर जाती थी और मेरे पास क्या बना देती थी, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर मैंने इसको ओवरऑल बैलेंस कर दिया, ये HCl है, चार HCl यहां पे लगते हैं, तो चार से मैंने उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया ऊपर सेकंड वाली को, चार HCl से चार HCl कैंसिल हो गए, दो CrO3 से CrO3 कैंसिल हो गए, तो नेट मेरे पास ये इक्वेशन आती है K2Cr2O7 plus 4KCl, जब आप इसको ऐड कर दोगे 6H2SO4। ठीक है, 6 क्यों, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4H2SO4 और 2 6H2SO4, क्रोमाइल क्लोराइड 2 थे मेरे पास, प्लस 4KHSO4 और 2 ऊपर वाले 6KHSO4, प्लस मेरे पास 3 वाटर, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड बना जो ऑरेंज रेड बिपर रेडिश ब्राउन हाईली, ये आपके पास कार्सिनोजेनिक होता है, तो ये मेरे पास कंपाउंड जो है वो बनता है। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड जो है अगर आप इसमें NaOH सॉल्यूशन डालते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता था सोडियम क्रोमेट में। देखो ये रेडिश ब्राउन का जो आपकी टेस्ट ट्यूब थी वो किस में चेंज हो जाएगी, येलो कलर के सॉल्यूशन में, तो वो सोडियम क्रोमेट बन जाता था उसमें। ठीक है, जैसे आप उसमें बेस डालोगे क्रोमाइल क्लोराइड में, फिर जैसे आप उस सोडियम क्लोराइड सोडियम क्रोमेट में येलो कलर का जो आपका सॉल्यूशन था उसमें आप लेड एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड डालते थे तो वहां पे प्रेसिपिटेट बनते थे लेड क्रोमेट के, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते थे, वो थिक ये लेड क्रोमेट येलो प्रेसिपिटेट आपके पास बन जाते थे। तो इस पूरे टेस्ट को हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, यहां तक लेड क्रोमेट के येलो प्रेसिपिटेट जो मेरे पास बनते हैं। ठीक है, हालांकि क्रोमाइल क्लोराइड ऊपर ही बन चुका है। ठीक है, और तो इस तरीके से जो है वो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। यहां से आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है कि राइट द केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, आपको ये तीन रिएक्शंस लिखनी है और आपको इस तरीके से जो है वो उस टेस्ट को लिखो और उसकी थ्योरी लिख के आओ। ये आपने किया हुआ है तो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, और क्रोमाइल क्लोराइड की अगर मैं बात करूंगा तो क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इटार्ड रिएक्शन में, जो है वो ये क्या एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो अगला मेरे पास रिएक्शन आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये आता है रिएक्शन विद H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको जो है वो परोक्सो कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम भी जो है वो हम इसको बोलते हैं, परोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। तो ये सेकंड जो मेरा यूनिट है, टॉपिक है परोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, तो इस सेकंड को हम बेसिकली जो परोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम है ये K2Cr2O7 का ही पार्ट है जब हम इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ करते हैं। तो मैंने इसको यही डिस्कस कर दिया है, इसकी मैंने रिएक्शन भी बनाई हुई है नंबर 6 और मेरा सेकंड हेडिंग भी है परोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम जो आपके सिलेबस का है, तो ये यही कवर हो जाएगा, आप इसको ऐसे ही पढ़ें। ठीक है, तो इसको जो है वो मैं अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करता हूं, परोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। थैंक यू स्टूडेंट्स।